आप जिस सेक्टर में काम करता है वो अभी ग्रीन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आने वाला बजट भी ग्रीन एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट का मेन फोकस है। और SGVN जो हाइड्रो पावर में है, हमको लग रहा है कि अभी इन्होंने हाल ही में एक बड़ा एक्सपेंशन कंप्लीट किया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले साल डेढ़ साल में देखने को मिलेगा। अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50% अपसाइड पॉसिबल है अगले 12-15 महीने के लिए, क्योंकि अभी तो FIIs और काफ़ी बड़े फंड्स भी इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब बड़े निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आगे इसमें बड़े वॉल्यूम्स आएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। ओवरऑल इन्होंने काफ़ी समय तक ये होल्ड किया है, तो मेरे ख्याल से अगर और एक 25-30% स्टॉक बढ़ता है तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली करें, लेकिन पूरा स्टॉक ना निकाले, क्योंकि आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ठीक है, SGVN को लेकर ये व्यू। लेकिन दूसरा जो स्टॉक है इनके पास IPO के भाव का ही है, वो है GICRE। और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी अच्छे हैं शेयर में और लगातार 5-7 से शेयर चढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसमें भी 6-8 महीने में देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न इसने कमा के दिए हैं। GICRE इस पर क्या भी होगा आपका अविनाश जी, क्या इसमें बने रहे? हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े से अब फ्लेवर में है और लगातार बाइंग भी आ रही है। देखिए, अभी इंश्योरेंस को लेके गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। इन्होंने कहा है कि LIC 3-4 कंपनीज को मर्ज करने की बातें कर रहा है। डेफिनेटली मार्केट्स में थोड़ी बहुत उत्साह है कि सारे जो कंपनीज लिस्ट में होंगे उनके लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो भी मर्जर रेशियो होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर GICRE का बिजनेस अभिषेक हम देखें तो ये बेसिकली री इंश्योरेंस मार्केट में होते हैं, यानी ये इंश्योरेंस कंपनीज को उनके जो इंश्योरेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं उनका री इंश्योरेंस करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है और कोविड के बाद इनका बिजनेस बहुत हिट हो गया था, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड बहुत इफेक्ट हो चुका था। इनका ज्यादातर बिजनेस ग्लोबली ओरिएंटेड है, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों के लिए जो री इंश्योरेंस का मार्केट है, यहाँ पे इनको इंडियन मार्केट से कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है, ये ग्लोबल कंपनी से कॉम्पीट करते हैं। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने तो स्टॉक में थोड़ी सी चुस्ती जरूर आई है, लेकिन नंबर आने के लिए आपको कम से कम 6-12 महीने होल्ड करना पड़ेगा। बट बिजनेस बहुत बढ़िया है और तो जो टेलविंड्स है वो मुझे लग रहा है 12-15 महीने में अच्छा खासा कमाई इस लेवल से भी कर देगी। देखिए अभिषेक, पहली बात तो IDFC इसलिए चर्चे में है क्योंकि अभी इसका मर्जर IDFC फर्स्ट के साथ रिवर्स मर्जर होने वाला है। और हालांकि अभी तक वैद्यनाथन साहब ने जो IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कोई पुष्टि दी नहीं है कि कभी ये होगा, लेकिन अगले 6-12 महीने में ये होने की पॉसिबिलिटी है। और यही कारण है कि स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से चला है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, 35 रुपये में लिया है, अभी करीबन ऑलमोस्ट 80 रुपये का भाव है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 25-30% तो बुक कर ले, क्योंकि काफ़ी अच्छा पैसा बना है। लेकिन बैलेंस क्वांटिटी साल भर के लिए होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 9500 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस भी मिल सकता है, क्योंकि ये मर्जर डेफिनेटली IDFC के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और वो मर्जर रेशियो क्या होगा, कब होगा, वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 6-12 महीने में इसकी डेफिनेटली पुष्टि होगी। तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें और डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। ठीक है, IDFC के रिवर्स मर्जर का इंतजार है IDFC फर्स्ट बैंक में, वहां आपको और बेनिफिट हो सकता है शेयर को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। पूजा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी में सबसे बड़ा ट्रिगर तो एथेनॉल का ट्रिगर है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी इनकी एथेनॉल की कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली इन्होंने ऊपरी लेवल पे लिया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो इतना कोई बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट्स में ये एथेनॉल की स्टोरी, स्पेशली रेणुका शुगर के लिए हम बात करें तो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो निकल जाए, बट अगर साल 1.5 साल ये होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो एथेनॉल का बिजनेस है वो अच्छी तरह से इनको प्रॉफिटेबल ट्रैक पे लेके जाएगा। बट अगर ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म करें तो मेरे ख्याल से दूसरे कोई विकल्प है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, 55 रुपया चल रहा है, ये वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑरोबिंदो फार्मा ने मार्केट्स को 2-3 मसलों पर काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दी है। एक तो US मार्केट्स में इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ढीला हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत डीमर्जर और एक्विजिशंस की बातें की थी, कहीं कभी भी ये डिलीवरी कर नहीं पाए हैं, और इसी कारण से नंबर्स में भी जो सितंबर के नंबर आ गए वो भी थोड़े से कमजोर है। तो मेरे ख्याल से देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। हालांकि देखिए, 450 का जो प्राइस है उसमें मोरलेस सारे नेगेटिव्स तो फैक्टर्ड हो गए। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये US मार्केट्स में बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, तो US इनके लिए बड़ी मार्केट है। लेकिन जिस प्रकार का US मार्केट का हेडविंड्स चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर
क्वार्टर्स मार्केट अनुमान लगा रहा है कि मार्जिन में प्रेशर रहेगा, अगर साल भर का नजरिया या साल डेढ़ साल का तो ही इसमें निवेशित रहिए, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर इनका नजरिया तो इनको निकल जाना चाहिए। नॉट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा पैसा बनेगा, बट हाँ साल डेढ़ साल अगर ये होल्ड करना चाहे तो बाउंस बैक डेफिनेटली करंट लेवल्स पे पॉसिबल है, तो इंतजार करिए और थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज भी करिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में गेन्स अच्छे आएंगे। देखिए पूजा, मैं पहले एक बात बता दूं कि ये बायबैक ओपन मार्केट ऑफर का है, तो उसका मतलब है ये मैनेजमेंट जो 810 रुपए में इन्होंने बायबैक की प्राइस अनाउंस की है वो टेंडर बेस नहीं होगा, यानी कि शेयरहोल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। तो ये बायबैक एक तरीके से फीका बायबैक हो गया है, बिकॉज 810 का प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर ओपन मार्केट से होता है तो उसका मतलब रिटेल निवेशकों को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं रहेगा, और उसी लिए शायद शेयर में इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को ना मिली। और दूसरी बात, आपने सही कही कि इस कंपनी का तो कामकाजी मुनाफा भी नहीं आ रहा है, और इनके पास जो पहले पब्लिक इशू के टाइम से जो कैश इन्होंने रेस किए 2100 में इन्होंने आईपीओ किया था, तो उसी में से थोड़ा सा पैसा ये ओपन मार्केट के लिए बायबैक के लिए करिए, तो नतीजा ये है कि ये कैश बिजनेस के लिए यूज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली बायबैक जब किया जाता है तब कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ता है, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है, बट इस कंपनी के बारे में तो कुछ भी ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि अभी इन्होंने खरीदा है तो थोड़ा सा सब्र रखिए, करंट प्राइस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी, बट हाँ अपसाइड के लिए आपको कम से कम एक आध साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि सितंबर 23 के बाद ये कामकाजी मुनाफा कमाने लगेंगे, और ऐसा अगर होता है तो देखिए बाकी सारे नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन कामकाजी मुनाफा अभी तक नहीं है, तो होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से ये शेयर में डेढ़ साल होल्ड करने के सिवाय इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज इनका काफी भारी लॉस होगा, तो अभी तो होल्ड करिए और मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल का टाइम फ्रेम दे दीजिए। कि आपने सही कहा कि दो पी फंड्स एंटर कर रहे हैं, 5000 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है, तो मार्केट्स को ये बात काफी पसंद आई। पिछले एक दो क्वार्टर से जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि थोड़ा सा एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है वो अच्छा हो चुका है, और क्रेडिट ग्रोथ मार्केट में अच्छी ट्रेंड दिखा रहा है, तो येस बैंक को भी फायदा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लॉक इन के शेयर्स है वो अगले मार्च में रिलीज हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि तभी काफी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 16 रुपए में लिया है, काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है, 22-23 रुपए का भाव है, एटलीस्ट कम से कम 50% तो बुक कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा अपसाइड प्योरली नैरेटिव या ये डेवलपमेंट से हुआ है, ये एक इवेंट होता है तो उसके बाद स्टॉक वापस थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 22-23 में एटलीस्ट 50% होल्डिंग बिकवा लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, लेकिन याद रखिए मार्च आने वाले मार्च दैट इज 23 का जो फिस्कल ईयर है March 23, वहां पे जो लॉक इन वाले शेयर्स है वो रिलीज होंगे, और काफी हद तक जो पहले निवेशित निवेशक है वो अपना माल मार्केट में जरूर बेचेंगे, तो वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। प्लस यस बैंक की जो इक्विटी कैपिटल है वो 2500 करोड़ है, ये काफी बड़ी इक्विटी है, और इसको सर्विस करना, इसके ऊपर अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट 50% बुक आउट और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। पूजा, डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत अच्छी तरह से एक्सपेक्टेशन है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। अगर वीआरएल लॉजिस्टिक की बात करें तो ये सबसे बड़ा रोड लॉजिस्टिक प्लेयर है, इनके काफ़ी बड़े नेटवर्क हैं पैन इंडिया, और मुझे लग रहा है कि दो तीन चीज़ें जो इनके लिए अभी फेवर में होगी कि इनके लिए सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो फ्यूल कॉस्ट होता है, डीजल का खर्चा। मेरे ख्याल से अगर क्रूड की कीमतें थोड़ी सी नरम रहती है तो डीजल की कीमतें अगर कम होगी तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी बदलाव आएगा, और प्लस जिस प्रकार की अभी जीडीपी के आंकड़े दिख रहे हैं, प्लस जिस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ रहा है, इसका फायदा भी कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली अगर नजरिया साल भर का है तो डेफिनेटली ये जो वीकनेस आप अभी स्टॉक में देख रहे हैं इसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये डील हुई है, डील से कोई बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कोई नेगेटिव सरप्राइज आया है, इनफैक्ट बड़े निवेशक यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, तो इवन रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली इसमें थोड़ी पोजिशन ऐड करके साल भर का नजरिया है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। आपने सही कहा कि जेपी मॉर्गन ने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी, उसके बाद काफी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ा, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इनका ये ट्रेडिंग कॉल है, तो इनका जो टारगेट प्राइस है ये हो सकता है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में हासिल हो, तो मेरे ख्याल से निवेशक को याद रखना चाहिए कि डेफिनेटली इसमें मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में अभी भी एसेट क्वालिटी देखिए या लोन बुक ग्रोथ देखिए इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने 57-58 में स्टॉक लिया है, अगर 75 होता है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि देखिए क्रेडिट साइकिल स्ट्रांग है तो पीएनबी डेफिनेटली फर्स्ट 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बड़ी बैंक है तो उसको भी फायदा होगा, लेकिन 75 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आए, तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजिशन रिटेन करें।
यूबी अविनाश जी है 122 के भाव के भाव पर ये शेयर है और 190 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और अब देख रहे हैं कि 6 महीने में ये शेयर डबल हो गया है। क्या यहां से भी आपको अभी मजबूती की उम्मीद है या इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं मायने से पीएनबी से काफी बेहतरीन है। एसेट क्वालिटी की बात करें, इनकी बैलेंस शीट साइज की बात करें, तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ये 6-8 महीना होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि निवेशक को यहाँ से कम 15-20% की अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे जल्दबाजी न करें, इन्होंने अच्छे एंट्री लेवल पे स्टॉक खरीदा है, अभी करीबन 190 का प्राइस है और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का समय स्टॉक में दिखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। अक्टूबर टू मार्च नॉर्मली बैंकों का बहुत स्ट्रांग पीरियड होता है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि और भी अच्छे नतीजे आएंगे, तो कम से कम 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ये मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं, बीओबी को भी होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। 6 महीने में देखिए 100.79% डबल हो गया है ये शेयर बीओबी का। देखिए मेडप्लस ई फार्मेसी बिजनेस में, और आपने सही कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ई फार्मेसी बिजनेस में जो रिटेल अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। मेडप्लस ने अभी रिसेंटली काफी और एडिशनल टच पॉइंट्स ऐड किए हैं। कंपनी का मानना है कि इन्होंने इनिशियल जो ब्रांडिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिस है वो इनकर किया है, जब ये करीबन 6-12 महीने के बाद यूटिलाइजेशन या स्केल अप होंगे ऑपरेशन, तो इनके लिए रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मेरे ख्याल से देखिए मेडप्लस एक ऐसी कंपनी है जो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम से आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से नरम हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में ई फार्मेसी का बिजनेस में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड ये 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम दे।